अब किसानों का मीडिया के खिलाफ सत्याग्रह है, लगाए मीडिया के खिलाफ नारे। खबर प्रकाशन को लेकर पैसे की मांग हुई तो हुआ प्रदर्शन, किया जोरदार प्रदर्शन शासन प्रशासन के बाद। किसानों का फूटा मीडिया पर गुस्सा, कहा गोदी मीडिया होश में आओ और किसानों का सच दिखाओ। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सीहोर में लगभग 2-3 वर्षों से खराब हो रही सोयाबीन की फसल की बीमा राशि और मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं, तो वहीं किसानों की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों का आरोप है कि सीहोर के कई पत्रकारों ने खबर प्रकाशन के पैसे मांगे हैं, जिससे किसानों को गुस्सा आ गया और किसान नाराज और गुस्से में हैं। किसानों का कहना है कि इसी गोदी मीडिया की वजह से हमारी पीड़ा सरकार तक नहीं पहुंच पा रही। आज सीहोर को ईमानदार और निष्पक्ष मीडिया की जरूरत है। सर मेरी विनती है कि आज सीहोर जिले में विगत 30 साल है ये सोयाबीन की फसल बांझ होते होते कई दिखाते खाते है ना, और अभी भी ऐसे कई गांव हैं सीहोर जिले के, कम से कम 100-200 गांव हैं जो अभी तक सोयाबीन की फसलें कहीं तो हाँक रहे, कहीं काट के फेंक रहे, कहीं मवेशी को खिला रहे। ऐसी पॉल्यूशन हो गई। हमारा मेन अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, वो हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी है, हम उनसे विनती करेंगे कि हमारा बीमा की राशि तो हमारा हक है, हमारा मौलिक अधिकार है, वो जरूर हमें मिले, क्योंकि पिछले 2 से बीमा की राशि नहीं मिली किसानों को, तुरंत मिलना चाहिए वो। और दूसरी बात, ये अभी जो फसलें खराब हुई इसकी आपको कृषि विभाग के अधिकारी को भेज के सर्वे तो कराना चाहिए, सर्वे तो होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, ये हमारी मेन बिंदु है। तो सर वो जरूरी, क्योंकि सर्वे नहीं होगी अभी, क्या सर मान लो लेट सर्वे करी तो इस समय किसान हाँक देगा, काट देगा, फिर उसके खेत में आप क्या देखोगे, क्योंकि कटाई करते हुए मवेशी को खिला रहे, खेत से आकाई कर रहे, फिर किसान को क्या दिखाएंगे, मतलब कृषि विभाग आपके पटवारी वगैरह आएंगे क्या देखेंगे। तो ये हमें कल को भाव को बीज बोया इस साल, हाँ सर ये बोलिए क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है, ये मेरा मेरी विनती है कि थोड़ा सा एक शब्द बता दीजिए, जैसे कब तक कृषि अधिकारी आ जाएंगे, अधिकारी भी टीएल में है, चर्चा करके अभी बता दूंगा, बिल्कुल अभी बतवा साहब, तो थोड़ा सा ये तो हमें निर्णय ले आके हो जाओ, उसी जल्दी से अपनी सर्वे या देखना शुरू कर दे, अभी 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 उनको अवगत करा दो, हां आज तक बस बस खराब हुई बीमा राशि मिलना चाहिए ऐसे में।
डाल मत।